वीके सिंह, आपका बिजनेस कोच, आप लोगों के बीच फिर आ गया हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है इफेक्टिव मार्केट वर्किंग फॉर ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो आइए देखते हैं कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मार्केट में इफेक्टिव वर्किंग करने के लिए किन किन बातों पर हमें ध्यान देना है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे और मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करता रहूं। हम अपने पूरे वर्किंग डे को तीन भागों में बांटेंगे। नंबर वन, बिफोर गोइंग टू द मार्केट। नंबर टू, ड्यूरिंग मार्केट वर्क। नंबर थ्री, आफ्टर मार्केट वर्क और रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। अगर हम अपने किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के पहले अच्छे से प्लानिंग करते हैं तो पुअर परफॉर्मेंस से हम बच सकते हैं, फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं। आइए देखते हैं पहला टॉपिक, बिफोर गोइंग टू द मार्केट। हमें मार्केट में जाने के पहले क्या क्या करना है, किन किन बातों पे ध्यान देना है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है ग्रूमिंग। देखिए, जब हम प्रोडक्ट लेकर मार्केट में जा रहे हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे अपने को सेल करना पड़ता है। दुकानदार के पास जाके, रिटेलर के पास जाके, सबसे पहले हम प्रोडक्ट सेल करने के पहले हम अपने आप को सेल करते हैं। सो उसके लिए मुझे मेरा लुक जो है प्रेजेंटेबल लुक होना चाहिए। दुकान के सामने जो भीड़ खड़ी रहती है, उस भीड़ में दिखना चाहिए कि कोई एक बंदा है जो किसी कंपनी से आया है, या फिर थोड़ा समथिंग स्पेशल दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सेव, आपका सेविंग प्रॉपरली होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद शूज आपके पॉलिश होने चाहिए, ड्रेस कोड आपका ठीक होना चाहिए। आप जींस और टी शर्ट पहन के मार्केट में जाने से अवॉइड करें। अगर टाई लगाकर मार्केट में जाते हैं तो और अच्छा थोड़ा सा आपका लुक, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दिखेगा। तो आप ड्रेस कोड के तरफ और अपने ग्रूमिंग के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है कैरी योर सेल्स किट। जब हम अपने आप को जब रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हम सेल्स किट लेकर जाते हैं। इससे हमारा जो बैग होता है, सेल्स बैग जिसको बोलते हैं, सेल्स बैग में आपको ध्यान देना है कि कहीं कुछ ऐसा चीज तो नहीं जो छूट गया, उसके बगैर ही आप मार्केट में चले गए। आपने देखा होगा कि जैसे जो वॉरियर होता है, जो सैनिक होता है, उसके भी पीठ के ऊपर एक बैग होता है, वो अपने जरूरत का सामान पीठ पर कैरी करता है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग भी फ्रंट लाइन वॉरियर हैं। ठीक है, सो आपको भी आपका जो सेल्स बैग को बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और जो जो जरूरत का सामान है वो आपको अपने साथ मार्केट में कैरी करना पड़ेगा। जैसे कि DSR, डेली सेल्स रिपोर्ट, DRCP, डेली रूट कॉल प्लान, CRC, कस्टमर रिकॉर्ड कार्ड, स्कीम सर्कुलर, टारगेट सीट। अगर आप SFA में काम कर रहे हैं, सेल्स फोर्स ऑटोमाइजेशन है, अगर आप मोबाइल के थ्रू ऑर्डर बुकिंग कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपको मोबाइल में मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये देखना है कि कैलकुलेटर आपको साथ में कैरी करना है, आपको मोबाइल का चार्ज देख लेना है कि मोबाइल आपका फुल चार्ज है कि नहीं, क्योंकि आपको मोबाइल में ही वर्क करना है मार्केट में। मोबाइल का चार्जर साथ में ले जाना ना भूलें। नेट पैक चेक कर लें, निकलने के पहले आप नेट पैक चेक करें कि आपका कहीं, कई लोगों को देखा जाता है मार्केट में जाके नेट पैक ही नहीं है, नेट पैक खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है मर्चेंडाइजिंग किट। आपको सेल्स बैग में मर्चेंडाइजिंग किट भी रखना है। मर्चेंडाइजिंग किट में क्या क्या रखना, क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि सेलो टेप, कटर, स्टेपल गन, डस्टर। अगर आपको डिस्प्ले करने के लिए कोई, अगर स्पेशल POP अगर आपको आया है कंपनी की तरफ से, तो उसको भी आप अपने साथ कैरी करना ना भूलें। अब देखते हैं, अब मार्केट चलते हैं। डे टू डे जॉब एट डीलर पॉइंट। अभी जैसे घर से निकल गए और डीलर के पास गए, तो हम देखेंगे कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास डे टू डे क्या जॉब है, डे टू डे जॉब एट डीलर पॉइंट और डे टू डे जॉब एट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट।
उस दिन का मार्केट रूट प्लान को फॉलो करेंगे एंड मार्केट रूट प्लान को फॉलो करते हुए हम उस दिन का जो बीट है उस बीट की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और उस बीट में उस बीट का टारगेट का प्लानिंग करेंगे कि आज हमारा इस बीट का क्या टारगेट होना चाहिए, हमारा फोकस प्रोडक्ट, ठीक है, फोकस प्रोडक्ट फॉर द डे क्या होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का फिजिकल क्लोजिंग स्टॉक चेक करेंगे। फिजिकल क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है कि जो जिनका सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक होता है उनसे आप प्रिंट आउट ले लें और प्रिंट आउट लेकर उसको रेंडम चेक करें। फिजिकल चेक करना मत भूलिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, लेकिन प्रिंट आउट जो मशीन के साथ में जो फिजिकल स्टॉक है उसको आपको मैच करना है। तो उसके लिए रैंडम 2-3 SKU अगर आपने चेक कर लिया तो आप मतलब मैच करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चेक इंट्रिंग सेल। इंट्रिंग सेल क्या है, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया में जैसे 26 मैंडेज होता है और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में कितना दिन जाते हो, दो से तीन दिन या चार दिन, लेकिन बाकी का दिन तो डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन वर्क करता है ना। आपके एब्सेंट में जो भी सेल होता हो, सेकेंडरी सेल होता हो, उसको हम इंट्रिंग सेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्राई टू वर्क विथ DBSR एंड गिव हिम ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। आप कोशिश करिए कि DBSR डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ मार्केट जाए और आप उसको मार्केट ड्यूरिंग मार्केट वर्क आप उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग दीजिए। उसे बताइए कि कैसे कॉल करना है, कैसे मर्चेंडाइजिंग करना है, ठीक है ना, कैसे स्कीम को कम्युनिकेट करना है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन को आप जितना ट्रेन करेंगे आपका काम आसान होता जाएगा, क्योंकि 20 दिन काम वही करता है, आप तो 4 या 5 दिन जाके वहां पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शेयर योर प्लानिंग विथ DB, बगैर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर किए हुए आप बीट में ना जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप मार्केट से ऑर्डर लेकर आते हो और अगर किसी इशू के कारण या कोई भी डिस्प्यूट के कारण अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्पैच नहीं करता है तो आपका सेकेंडरी नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए मतलब बिफोर गोइंग टू द मार्केट आपको क्या करना है, उस बीट में जाने के पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उस बीट के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको आपका क्या प्लान है, क्या स्कीम लेके जा रहे हो, किसको क्या स्कीम देने वाले हो, इसके बारे में भी आपको फीडबैक लेना है एंड डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस करना है, ओके। नेक्स्ट क्या है, चूज फोकस प्रोडक्ट एज पर द बीट पोटेंशियल, ठीक है। हर बीट का एक ही फोकस प्रोडक्ट नहीं होगा, किसी और सारे प्रोडक्ट हर बीट में नहीं बिकते हैं। सो किसी बीट में कुछ प्रोडक्ट बिकता है, किसी बीट में कुछ प्रोडक्ट बिकता है। कोई ऐसा बीट है जहां पर 2 या 3 फोकस प्रोडक्ट होगा, कोई ऐसा बीट है जहां पे 4 या 5 फोकस प्रोडक्ट हम लेके जा सकते हैं, वो बीट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, होलसेलर्स है वहां पे, लाइन सेलिंग काफी ज्यादा होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा वहां पे फोकस प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। और कोई अगर छोटा बीट है तो 2 या 3 फोकस प्रोडक्ट लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेक फीडबैक अबाउट द बीट एंड सम मेजर आउटलेट, ठीक है। आप जिस बीट में जा रहे हो उस बीट के बारे में डिस्ट्रीब्यूटर से फीडबैक लेना मत भूलिए, और कुछ मेजर आउटलेट्स है उनके बारे में, जैसे कि जैसे आप जा रहे हो अगर आपने ये फीडबैक ले लिया कि 2 दिन पहले उसका एक ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, सो आप वहां पे क्या करोगे, आपको ये देखना है कि कौन सा SKU का बिल कटा है, ठीक है, और कौन सा SKU में गैप है। तो ये अगर इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होगा तो आपका जब आपका विजिट होगा तो आप अप्रोच करोगे, आप किसी दूसरे SKU के बारे में बात करोगे, नहीं सर ये तो 2 दिन पहले आपके पास आया था लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं आया है। सो आपका 2 दिन के बाद भी अगर आप जाओगे तो आपका प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ड्यूरिंग मार्केट वर्क। मार्केट में वर्क करते वक्त हमें क्या क्या करना है, जब हम मार्केट में पहुंच गए हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है और हमें अपना कॉल प्रोसेस कैसे करना है, हमारा मार्केट में कॉल प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले उसे नमस्कार करेंगे, हाथ मिलाएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं फला कंपनी से आया हूं। उसके बाद आस्क फॉर परमिशन टू इंटर द शॉप। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ग्रीटिंग कर लिया और अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आप तुरंत उनसे पूछिए कि सर क्या मैं अंदर जा सकता हूं, और आप काउंटर के अंदर जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेक स्टॉक।
वहां जाकर अपने कैटेगरी में, आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में जाकर देखिए आपका प्रोडक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, उस प्रोडक्ट को वहां पर आपका क्या क्या एसक्यू है, क्या क्या स्टॉक खत्म हो गया है, क्या क्या स्टॉक है, ठीक है ना, वो आपको देखना है। थोड़ा सा डस्टर निकालिए और उसको थोड़ा क्लीन कर दीजिए, क्लीन करके उसको प्रॉपर तरीके से उसको मर्चेंडाइज कर दीजिए, ठीक है। और वहीं पे आपको निकल आएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट इनके पास नहीं है और इन्हें इनका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स एज बेस्ट एज पॉसिबल, जैसे ही आपका जब क्लीन हो जाता है प्रोडक्ट, उसको अरेंज कर लिया आपने, तो उसको अच्छे से जितना अच्छा आप कर सकते हैं उसको डिस्प्ले करें, ठीक है। क्योंकि याद रहे दोस्तों, जो अच्छा दिखता है वो अच्छा दिखता है, ठीक है। और कोशिश करें उसको आई लेवल पर रखने के लिए, क्योंकि आई लेवल इज द बाई लेवल, ठीक है। अगर कैटेगरी में अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा नीचे चला गया तो उन्हें रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा स्पेस वगैरह थोड़ा सा बना के और उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आए, आई लेवल पर आए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना है हमें, पुट अप पीओपी इफ अवेलेबल। अगर आपके पास कंपनी ने कुछ पीओपी अगर दिया है, उस वक्त कोई पीओपी है तो आपको पीओपी लगाना है। देखिए पीओपी बाहर में भी लगा सकते हैं, जहां पे एक पीओपी का लाइफ होता है 5 से 10 मिनट का, आप जैसे ही पीओपी लगाओगे उसके ऊपर कोई दूसरी कंपनी आके पीओपी लगा के चली जाएगी, ठीक है। सो कोशिश करें कि सेकंड साइट पे पीओपी लगाने का। सेकंड साइट क्या है, सेकंड साइट ऐसा है जो दुकान के अंदर में होता है, खास तौर पे रिटेलर जहां बैठता है, कैश काउंटर जहां पे होता है उसके बैक साइड में, बैक साइड में आपका जो काउंटर होता है, जो स्पेस होता है बैक साइड में, उसको सेकंड साइज बोलते हैं। वहां पे वो आउट ऑफ रीच होता है, मतलब वो इजिली वहां पे रीचेबल नहीं होता है, वहां कंपनी के लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए वहां पे अगर आप कोई अगर पोस्टर अगर यूज करते हो, कोई पीओपी यूज करते हो, तो उसकी लॉन्जिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो कम से कम आप 10-15-20 दिन तक आप उसको वहां पे देखोगे। तो कोशिश करिए कि सेकंड साइड पे पीओपी यूज करने का, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आस्क रिटेलर्स अबाउट द सप्लाई एंड ऑपरेशंस, ठीक है। आपको जैसे ही आपने ऑर्डर ले लिया, आपको रिटेलर से ये पूछना है कि हमारा स्कीम्स वगैरह आपको मिल रहा है कि नहीं, सप्लाई आपका ठीक से हो रहा है कि नहीं, लास्ट जो हमने ऑर्डर लिया था उसकी सप्लाई कब हुई थी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, रिटेलर भी ये देखेगा कि हाँ कंपनी का पर्सन जब आता है तो हमारा ख्याल करता है और हमसे पूछता है कि हमारा सर्विस ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और हमारे प्रॉब्लम्स को सुनता है, ठीक। नेक्स्ट है सो सैंपल्स, ऑर्डर लेने के पहले आप सैंपल दिखाइए, क्योंकि आप एक तो आपने फिजिकल स्टॉक ले लिया है, उनके घर में क्या क्या स्टॉक नहीं है, ठीक है ना, और जब आप उन्हें सैंपल दिखाते हो वो ऑर्डर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एम्फेसाइज ऑन रेंज सेलिंग एंड लार्ज एसक्यू, ठीक है। उन्हें आप प्रेरित करें कि वो आपसे रेंज बढ़ाएं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 4-5 SKU है तो वो 1-2 SKU का ऑर्डर देके छोड़ देंगे, ठीक है। आप कोशिश करें कि वो आपके सारे SKU को कवर करें और कोशिश करें कि लाइन सेल भी ज्यादा हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसका 50 ml है, 100 ml है, 200 ml है या ग्रामेज में है, तो वो कोशिश करें कि सारे के सारे प्रोडक्ट लेंगे तो आपका लाइन सेल बढ़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है आस्क ऑर्डर एज पर द सेलिंग फॉर्मेट। अभी आप मर्चेंडाइजिंग वगैरह सब कर लिए हैं, ठीक है, अब आप क्या है कि उनसे ऑर्डर के बारे में पूछिए और जैसा आपका सेलिंग फॉर्मेट है, सेलिंग नॉर्म्स है, जैसे किसी को हम 3 पीस देते हैं, 6 पीस देते हैं, किसी को 12 पीस देते हैं, किसी को 1 बॉक्स देते हैं, ऐसे करके जो भी उनका नॉर्म्स है उसके हिसाब से आप उनसे ऑर्डर लीजिए। उसके बाद थैंक्स रिटेलर एंड लीव, आपका काम कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर कमिंग फ्रॉम द मार्केट और रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट एट डीलर पॉइंट, ठीक है। जब मार्केट से हम वापस आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे, तो हमें क्या क्या करना है। पहला काम, प्लेस ऑर्डर टू द डीलर, ऑर्डर प्लेस करिए, एक एक आउटलेट वाइज लिखवाइए, उन्हें समझाइए, ठीक है, कि कौन से आउटलेट का क्या ऑर्डर है। DRCP टू बी अपडेटेड, अगर आपका SFM में काम नहीं होता है, सेल्स फोर्स ऑटोमाइजेशन, मोबाइल में अगर आप वर्क नहीं करते हो, सो मैनुअल करते हो तो आपका DRCP जो है, जैसे कि आज आपने कितने नए आउटलेट ऐड किए, ठीक है ना, तो उसको आपको क्या है कि अपडेटेड करना पड़ेगा। DRCPs में और भी होता है ना, ये आउटलेट कितने SKU, कौन कौन से SKU रखता है, कौन कौन सा, अगर आपने कोई नया SKU वहां पे प्लेस किया,
ठीक है, तो उसको आपको अपडेट करना है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे, आपके डीआरसीपी अप टू डेट हो जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट जो है चेक सेल्स ऑफ की प्रोडक्ट। अब आपको ये देखना है कि जो की प्रोडक्ट जो है, जो फोकस प्रोडक्ट है, उसका क्या क्या सेल है, आपका डे टारगेट क्या था और कितना आपने सेल किया, कितना आपने ऑर्डर लेकर आया। ठीक, नेक्स्ट जो है गो थ्रू द स्टॉक पोजिशन एंड प्रिपेयर प्राइमरी ऑर्डर इफ रिक्वायर्ड। मतलब आपका जैसे जब आप निकले थे तो एक आपने क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लेकर गए थे, ओपनिंग स्टॉक था, उसके बेसिस पे आपने मार्केट में काम किया, आपने जितने भी कॉल किया, सपोज आपने 40 कॉल किया, 60% 70% 80% प्रोडक्टिविटी हुई, तो आपकी जो टोटल जो सेकेंडरी हुई SQI जो सेकेंडरी हुई उसको आप DSR आपके पास है, DSR में आप समराइज कर लीजिए एंड समराइज करके टोटल जो आज का आपका जो सेकेंडरी है वो आप ओपनिंग स्टॉक में घटा दीजिए। घटा देने के बाद से आज आपका डे का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब डे का जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसके ऊपर बेस करके आपको पता चलेगा कि मॉर्निंग में आपका 5 केस कोई दूसरा प्रोडक्ट था, आपने 4 केस सेल कर लिया, सो वो तो ऑर्डर बनता है, तो उसका ऑर्डर आपको लेना है। ऐसे करके आप एक प्राइमरी ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे बेसिस ऑन योर टुडे सेकेंडरी। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, चेक डैमेज स्टेटस एंड प्रिपेयर क्लेम। डैमेज स्टेटस है या कोई पेंडिंग क्लेम्स है या कोई भी है, स्कीम क्लेम बनाना है, ठीक है, तो उसका आपको बैठ के वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है और उनका ये क्लेम वगैरह बनाना है और उसको कंपनी में सेंड करना है। ठीक है, अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन बनाना है, अगर आपका लगता है कि उसको कुरियर के थ्रू भेजना है तो कुरियर के थ्रू कंपनी को भेजना है। चेक PSR DSR ऑर्डर प्रोसेस एंड सप्लाई। आपको ये भी देखना है कि अगर मैं 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद विजिट में आया हूँ तो इतना दिन तक हमारा जो मेरा जो अपना कंपनी का जो ISR होता है या कहेंगे PSR बोलते हैं, ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उन्होंने जब आए थे तो क्या क्या सेल किए थे, उनकी जो क्या बिल कट हुई थी, बिल कट को आप एक बार थोड़ा चेक करिए, आपके पास टाइम है, आप मार्केट से आ चुके हैं, आप उसको चेक करिए, चेक करके और उसको वेरीफाई करिए कि आपका PSR जो मार्केट में आया था वो क्या वैल्यू एडिशन किया, कितना सेल दिया, ठीक है, ताकि आप रिव्यू करते वक्त आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, रिव्यू DV टारगेट वर्सेस अचीवमेंट MTD एंड YTD वाइज। ठीक है, मंथ टू मंथ क्या सेल है एंड ईयर टू ईयर क्या है, लास्ट ईयर दिस मंथ में क्या सेल हुआ था, इस मंथ में क्या सेल हुआ है, अभी तक कितना करना है, अगर इतना नहीं करेंगे तो आप डिग्रोथ में आ जाएंगे, इतना करेंगे ग्रोथ तो इतना परसेंट ग्रोथ आएगा, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में डिस्कस करिए। ठीक है, ये SQ हमें इतना करना था, SQ वाइज टारगेट को लेकर बात करिए कि आज सर हमें ये हमारे पास इतने सारे SQ है, SQ वाइज हमने टारगेट लिया था, इस SQ में आप पीछे जा रहे हैं, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये SQ हम लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं, ये हमने अभी तक 80% कर दिया, 125% हम पहुंच जाएंगे, बट ये SQ में हम अभी तक 40% में है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है, तो उनके भी दिमाग में रहेगा क्योंकि उनके पास 5-10 कंपनियां हैं, वो जब तक आप उनके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, उनका भी ध्यान इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, और आप SQ वाइज टारगेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, चेक एंड मॉनिटर ऑल प्रोमोशंस लाइक कैनोपी एक्टिविटीज, एग्जीबिशंस, सैंपल एक्टिविटीज एंड अदर BTL एक्टिविटीज। ठीक है, आपके पास अगर खाली टाइम है, जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर लिया, सो आपको क्या करना है, आपका प्रोमोशंस जो है, जो उस टाउन में जो प्रोमोशंस चल रहे हैं, जिस टाइप का भी प्रोमोशन हो, चाहे तो लड़का कैनोपी लगाया है उसको जाके चेक करना है, कहीं वॉल पेंटिंग हुआ है उसको जाके चेक करना है, कहीं पे बोर्ड्स लगे हुए डीलर बोर्ड उसे चेक करना है, ठीक है, कहीं सैंपल एक्टिविटीज हुआ है, ठीक है ना, जिस टाइप का भी प्रोमोशन हुआ है उसको आपको चेक करना है, चेक करके बॉस को रिपोर्ट करना है कि हाँ मैं उस टाउन में गया था और मैंने अपने प्रोमोशन को वेरीफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड द सेम टू बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग टू द DB। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है, अगर जैसे पार्टी स्कीम नहीं चला रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना, और उनकी डिस्पैच ठीक नहीं है, डिलीवरी सिस्टम का ठीक नहीं है, हाँ कोई भी पेंडिंग, बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर्स लेकर बैठे हुए हैं, तो जो भी है आप ऐसे ओरल ऐसे वर्बल बात मत करिए, वर्बल बात करने से बहुत सारे डिस्प्यूट बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें बढ़ता है, सो इसको अवॉइड करिए और जो भी बातें हुई कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट,
उसको आप एक वहां से उन्हें मेल दे दीजिए, उन्हें रिटर्न कम्युनिकेशन दीजिए कि सर मैं आपके विजिट में आया और मैंने ये चीज फाइंड आउट किया। जैसे आपने एरिया टू बी इंप्रूवमेंट के लिए आपने जो फाइंड आउट किया आप बताते हैं, आप उनको कुछ अगर अच्छा उनके मार्केट में देखे तो अप्रिशिएट करना मत भूलिए, वो भी आप रिटर्न में दीजिए। ठीक है कि सर मैंने आपके एरिया में देखा आपका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका लड़के का मार्केट में होल्ड है, आपकी मार्केट में पकड़ है। तो इससे क्या होगा, जब आप रिटर्न जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, जब आप लेटर दोगे, तो पार्टी का मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके प्रति विलिंगनेस आएगा, ठीक है, और कनेक्ट होगा। ठीक है, ओके, प्लान फॉर द नेक्स्ट डे एंड लीव द मार्केट। ठीक है, बस इतना ही था दोस्तों। बताए गए ये तीनों पॉइंट शुरू से लेके अंत तक, जैसे कि हमें बिफोर गोइंग टू द मार्केट क्या करना है, ड्यूरिंग मार्केट वर्क क्या करना है, और रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट क्या करना है, अगर आप सारे पॉइंट पे अगर आप फोकस करते हैं और इसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपका सेल इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।